सब्सक्राइब कीजिए देसी टिप्स हिंदी को और इस बाजू के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले। दोस्तों, आपने मच्छर के बारे में तो सुना ही होगा, तो आप ये भी जानते होंगे कि मच्छर हमारे शरीर में काटकर कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं और आप इसको दूर रखने के लिए कई प्रकार की अगरबत्तियां वगैरह भी जलाते होंगे अपने घर में। अगर आप उन सब से ठग गए फिर भी मच्छर आ रहे हैं तो आप ये हमारा नुस्खा यूज़ कीजिए जिसकी मदद से आप मच्छर से बिल्कुल मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये नुस्खा हम बनाते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही आसान रहेगा और इजी रहेगा। आप एक ही बार इसको बना के ज़्यादा दिनों तक यूज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ हम सिर्फ दो चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ रहेगी वो होगी दोस्तों बादाम का तेल। तो आप बाज़ार से किसी भी ब्रांड का बादाम का तेल परचेस कर सकते हैं। यहाँ हम इस तरह की एक कटोरी लेंगे और इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच बादाम का तेल है वो यूज़ करने वाले हैं। हमने यहाँ दोस्तों 3 चम्मच बादाम का ऑयल लिया है और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ रहेगी वो होगी दोस्तों विटामिन ई की कैप्सूल। तो आप इस तरह के कैप्सूल बाज़ार में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पे से, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें हम 3 चम्मच में 1 चम्मच दोस्तों विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करनी होगी। इसका जो लिक्विड आता है वो इसमें हम ऐड करेंगे। दोस्तों, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बादाम का तेल भी अच्छा होता है। इस नुस्खे की सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको ना ही कोई साइड इफेक्ट देगा, बल्कि आप इसको बेफिक्र होकर यूज़ कीजिए। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह का ये अच्छा सा तेल तैयार कर लीजिए आप, और अगर आप चाहें तो किसी डिब्बी में भी आप इसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप सबसे पहले तो इसको एक बार यूज़ कीजिए और फिर आप जब रात को इसको सोने से पहले इसका यूज़ करना है, यूज़ किस प्रकार से करना है, आपको इतनी सी लेके अपने शरीर पे जैसे आप बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं आप इस प्रकार से खुले अंग पे लगा सकते हैं, जैसे कि हाथ और पैर हमारे सोते वक्त खुले रहते हैं, तो आप वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। आप एक ही बार के इस्तेमाल से देखेंगे कि मच्छर आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों कि बादाम की जो तेल की जो सुगंध होती है उससे मच्छर काफ़ी दूर भागते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने विटामिन ई भी यूज़ किया है, तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप ये तेल यूज़ कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए कि इस प्रकार से मच्छर भागते हैं, ना ही आपको कुछ अगरबत्ती वगैरह जलाने की ज़रूरत है। तो आज का हमारा नुस्खा आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर और आप किसी भी प्रकार के नुस्खे चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसके ऊपर जल्दी ही एक वीडियो बना के दूंगा। हमारी चैनल अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बाजू के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।